खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। चंद्रशेखर आजाद जन कल्याण समिति भारत द्वारा लाहौर कांड के शहीद भगत सिंह की जयंती पर भगत सिंह मार्केट प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया। प्रतिमा की साफ सफाई कर माल्यार्पण किया गया। कार्यकर्ताओं ने भी शहीद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनके जज्बे को सलाम किया और युवकों से शोषण मुक्त समाज बनाने की अपील की। सभा की अध्यक्षता करते हुए समिति के संस्थापक अध्यक्ष सर्वेश कुमार पांडे निन्नी ने कहा कि देश को गुलामी से आजाद कराने में भगत सिंह एवं दल के कमांडर इन चीफ चंद्रशेखर आजाद के अमूल्य योगदान बलिदान को देश आजीवन याद। भगत सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देते हुए कहा था कि तुम हमें फांसी देकर समाप्त कर सकते हो, परंतु हमारे विचारों को कभी समाप्त व खत्म नहीं कर सकते हो। सभा का संचालन समाज सेवी राकेंद्र मोहन तिवारी ने किया। सभा में विवेक पांडे, तिलक चंद, बी डी जायसवाल, सुनील त्रिपाठी आदि लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई सर्वेश कुमार पांडे निन्नी जी, हमारे बी डी जायसवाल जी, तिलक चंद कुरील जी, प्रदीप जी और हमारे करण भाई, आज हम लोग यहाँ भगत सिंह जी की जयंती मना रहे हैं। बहुत सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं और जो ऐसे कार्यक्रम को देखते और सुनते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहकर केवल एक बात कहना चाहूंगा कि पिछले 40-45 वर्षों से भाई निन्नी पांडे जी देश के लिए जो बलिदान हुए, शहीद हुए, जो भी महापुरुष यहाँ शहीद हैं उनकी जयंती और पुण्यतिथि मनाते हैं, इसलिए इनको विशेष रूप से बधाई देता हूं। मैं एक बात और आप लोगों को बता देना अपना कर्तव्य समझता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।